हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल BDEF वेयर DE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, FB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल F इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल E इज इक्वल टू 100 डिग्री। सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी एक साइड को इन तीनों में से ड्रा करेंगे, उसके बाद से एंगल बनाते हुए जब ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दैट्स इट। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ड्राइंग DE। ओके, तो हमने DE ड्रा कर लिया है और ये आपका है 4.5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। तो इसके बाद हम इस E पॉइंट पर क्या बनाएंगे, 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यूज कर लेते हैं प्रोटेक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट ED इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में होगा तो हम नीचे वाले स्केल का यूज़ करेंगे। सो 10, 20, 30, 40 ऐसे जाकर के हम कितना लेना है आपको, 100 डिग्री। तो आपका 100 यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे बस। सो हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया है। अब ये ई पॉइंट और ये जो पॉइंट आपका है इसके डायरेक्शन में आप एक रे ड्रा करेंगे, ठीक है, जिसका हम नाम देंगे EX। तो हमने EX रे ड्रा कर लिया है। नाउ E को सेंटर मान करके और रेडियस लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, एक आर्क ड्रा करेंगे जो पॉइंट F पर कट करेगा। ओके, तो हमने आर्क ड्रा कर लिया है और ये पॉइंट जो मिला आप इंटरसेक्शन का, तो ये आपको मिल गया है F। तो हम यहाँ पर वो पॉइंट नोट कर लेंगे। अब इस F पॉइंट पर आपको बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है 50 डिग्री एंगल। सो यूज करेंगे प्रोटेक्टर। ओके, तो हमने ये पॉइंट यहाँ पर पुट कर लिया है। अब नाउ हमें देखना है कि इधर से एंगल बनाना है ऐसे। सो हम नीचे वाले स्केल का यूज करेंगे और एक पॉइंट हम ले लेंगे कहाँ पर, 50 डिग्री एंगल के डायरेक्शन में। तो यहाँ से 50 डिग्री एंगल डायरेक्शन आपका 50 ये है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 50 डिग्री एंगल के डायरेक्शन में हमने एक पॉइंट ले लिया है। नाउ अब हम इस F और ये पॉइंट जो है इसके डायरेक्शन में एक रे ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा FY। ओके, तो ये एंगल आपका था, यहाँ पर हम ले लेते हैं 100 आपका था, यहाँ बना दिए थे हम लोग, यहाँ पर है 50। सो हमने ये रे ड्रा कर लिया है और ये आपका है Y। तो FY हमने रे ड्रा कर लिया। अब F को सेंटर मान करके 6.5 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के एक आर्क खींचेंगे जो किसी कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को, और वो जो जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट कौन सा होगा, B। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुका है यहाँ पर और ये पॉइंट आपका है B। यहाँ पर नोट कर लेंगे B। अब हम B और D पॉइंट को, जो D पॉइंट आपका है यहाँ है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। सो हमने ज्वाइन कर दिया है। सो दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल BDEF वी हैव कंस्ट्रक्टेड। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। यदि आपको अच्छा लगा कंस्ट्रक्शन तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।